राधे, आज मैं आपको गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। ये 5 नंबर के गोपाल जी के लिए है और 10 नंबर की सिलाई से बनाई है और 3 प्लाई की ऊन है। तो चलिए स्वेटर बनाना शुरू करते हैं। और ये बहुत ही सुंदर स्वेटर बनी है और डोरी लगाई है कमर पे। आप चिट बटन भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने वाइट कलर की ऊन से चोली बना ली है और इसमें 22 फंदे डाले हैं। 5 नंबर के गोपाल जी के लिए है और चोली की वीडियो में पहले डाल चुके हैं तो आप देख लेना। अब ये एक फंदा बिना बना उतार के 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी और उसके बाद एक फंदा सीधा बनाऊंगी। और सीधा फंदा बनाने के बाद फिर मैं फंदे बढ़ाऊंगी, एक का दो एक का दो, इस तरह करके इस लाइन को मैं कंप्लीट करूंगी। आगे की साइड धागा करना, फिर फंदे में डालकर सिलाई को निकाल लेना। इस तरीके से मैं ये सारे फंदे बढ़ा दूंगी और उसके बाद कैसे डिजाइन डालूंगी वो सब आपको दिखाऊंगी। लीजिए, फंदे बढ़ाने के बाद मैंने उल्टी सिलाई भी उतार ली है। अब ग्रे कलर की ऊन से कैसे डिजाइन डालेंगे वो सब दिखाऊंगी आपको। अब आगे वाले फंदे में लाइन के हिसाब से नीचे की साइड से धागा निकाल कर और फिर 3 फंदे बिना बने उतारने हैं और फिर ग्रे वाले धागे को उतार कर इन 3 फंदों के ऊपर से करना है। इसको फिर छोड़ देना है इस तरीके से। आगे वाला एक फंदा छोड़ के फिर दूसरे फंदे में इसी तरीके से ग्रे धागे को निकालना है और फिर 3 फंदे बिना बुने उतार कर और ग्रे वाले धागे को आगे करना है। और जो वाइट फंदों में से नीचे की साइड ग्रे वाले धागे से बना रहे हैं तो बिल्कुल एक लाइन से ही फंदे उठाएं गिन गिन कर और ग्रे वाले धागे को पीछे की साइड ही रखना है। और फिर ग्रे वाला धागा फंदे में से निकाल कर और 3 फंदे बिना बने उतारने वाइट वाले और फिर ग्रे वाले को उनके ऊपर से उतार कर ऐसे ही छोड़ देना, फंदा नहीं बनाना उसका ग्रे वाले का। और ये डिजाइन बनाते हुए धागे को पीछे की साइड ही रखना है और फिर एक फंदा छोड़ के अगले वाले फंदे में से नीचे की साइड से ग्रे धागे को निकालना है और थोड़ा सा लूज लूज ही बनाना है और फिर 3 फंदे बिना बने उतारने हैं और फिर ग्रे वाले धागे को उठाकर इन 3 फंदों के ऊपर से लाकर इसको छोड़ देना है। मैं ये थोड़ा सा धागे को लूज कर रही हूँ और लूज लूज ही बनाना है। एक धागा छोड़कर अगले वाले फंदे में से ग्रे कलर का एक फंदा उठाना है और फिर 3 फंदे बिना बने उतारने हैं। ये मैं फंदा उठा चुकी हूँ और फिर 3 फंदे ये बिना बने और फिर ग्रे वाले को उठाकर इन 3ों के ऊपर से उतार कर ऐसे ही छोड़ देना है। और बिल्कुल एक बराबर से ही एक लाइन से ही फंदे उठाने हैं। ऊंचा नीचा करने से डिजाइन सुंदर नहीं लगेगा और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो गिनकर उठा लें अपने हिसाब से, एक फंदा छोड़कर फिर ग्रे वाले से एक फंदा उठाकर और फिर 3 फंदे बिना बने और फिर ग्रे वाले को इसके ऊपर से उतारना है। अगर आप गिनकर नहीं बनाना चाहती हैं तो चौक से निशान लगा लें और उसी हिसाब से फंदे निकालते रहें ग्रे वाले से और फिर 3 फंदे बिना बने उतार कर और ग्रे वाले धागे में से निकाल कर उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और ग्रे वाले का फंदा नहीं बनाना, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और इस तरह करके मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँगी। लीजिए, ये पूरी लाइन मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। अब मैं उल्टी सिलाई उतार रही हूँ। उल्टी सिलाई में फंदे को बढ़ाना नहीं है, सिंपल ऐसे ही सिलाई उतारनी है उल्टी उल्टी। बहुत ही सुंदर लग रहा है डिजाइन। चलिए, इस तरीके से मैं उल्टी सिलाई उतार लेती हूँ और सीधी सिलाई उतार लूँगी। इस तरह करके मैं 8 सिलाई उतार लूँगी, उसके बाद बताती हूँ आगे कैसे डिजाइन बनाना है।
लीजिए, ग्रे कलर से मैंने 8 सिलाई सीधी उतार ली है। अब वाइट से इसके ऊपर डिजाइन बनाऊंगी। डिजाइन उसी तरीके से बनाना है, एक फंदा छोड़कर और अगले वाले फंदे से सिलाई को निकालना है और फिर 3 फंदे बिना बने उतार कर ग्रे वाले के और वाइट वाले को ऊपर से उतार कर उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और ये वाइट वाले एक फंदा मैंने निकाल लिया है और उसके बाद ये 3 फंदे बिना बने और वाइट वाले धागे को इन तीनों के ऊपर से उतार कर ऐसे ही छोड़ देना है उसको। बिल्कुल सिंपल तरीके से डिजाइन है, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप भी बना लेंगे। एक फंदा छोड़कर अगले वाले फंदे में से वाइट फंदा निकालूंगी मैं ऐसे करके, और ये फिर ग्रे वाले 3 फंदे बिना बने उतार कर और वाइट वाले फंदे को इन तीनों फंदों के ऊपर से उतार दूंगी और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। और फिर इसी तरीके से मैंने अगले वाले फंदे में से सिलाई को डाल दिया और ये 3 फंदे ग्रे के बिना बने और फिर वाइट वाले को इसके ऊपर से उतार दिया है। नीचे वाली लाइन से फंदे उठा रहे हैं तो एक लाइन से ही फंदों को उठाएं, गिन गिन कर, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं करना। इक्वल लाइन से फंदे उठाएंगे तो बहुत ही सुंदर स्वेटर बन के तैयार होएगी गोपाल जी के लिए। ये वाइट फंदा मैंने उठा लिया और ये 3 फंदे फिर बिना बने उतार कर वाइट वाले को इनके ऊपर से उतार दूंगी और फिर ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो इस तरीके से मैं इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे कैसे बनानी है। लीजिए, डिजाइन वाली लाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया था और वाइट कलर की ऊन से एक सीधी और एक उल्टी सिलाई उतार चुकी हूँ। अब मैं फंदे बढ़ा रही हूँ, फिर से 2 फंदों को मैंने सीधा बनाया, फिर एक फंदे पे फंदा बढ़ाया, फिर 2 फंदों को सीधा बनाया, फिर एक फंदे पे फंदा बढ़ाया, फिर 2 फंदों को सीधा बनाया, फिर एक फंदे पे फंदा बढ़ाया। इस तरीके से मैं इस लाइन को भी कंप्लीट कर लूँगी। 2 फंदे सीधे बनाने हैं और एक फंदे के ऊपर फंदा बढ़ाना, फिर 2 फंदों को सीधा बनाना और फिर एक फंदे पे फंदा बढ़ाना। ये 2 फंदे मैंने सीधे बनाए, फिर धागे को आगे की साइड किया और फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर 2 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा आगे की साइड किया और फिर एक फंदे पे फंदा बढ़ाया है। इस तरह करके मैं इस लाइन को पूरी को कंप्लीट कर दूंगी। लीजिए, मैंने फंदों को बढ़ा लिया था और उल्टी सिलाई उतारनी शुरू कर रही हूँ अभी मैं। उल्टी सिलाई में कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। चलिए, अब मैं वाइट कलर से भी 8 सिलाई उतार लेती हूँ। ये मैंने वाइट कलर से 8 सिलाई उतार ली थी और डिजाइन को जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उसी तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लिया और 4 सिलाई ग्रे की भी बना चुकी हूँ मैं और बहुत ही सुंदर डिजाइन लग रहा है। तो चलिए, अब फंदे बंद कर लेती हूँ मैं। मैं सिलाई को डाला और फिर धागा ऊपर से घुमाकर 2 का 1 कर दूंगी मैं। ये 2 का 1 और फिर उस फंदे को उस सिलाई के ऊपर चढ़ाकर फिर 2 फंदों में से डालकर धागा घुमाकर फिर 2 का 1, फिर उस फंदे को उस सिलाई के ऊपर चढ़ाकर फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। इस तरह करके पूरी सिलाई के फंदे घटाने हैं। कुछ फंदों को घटाकर आपको दिखा दिया है, आगे मैं ये फंदे घटा लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कितनी सुंदर स्वेटर बनकर तैयार हुई है गोपाल जी के लिए। लीजिए, सारे फंदों को मैं घटा चुकी हूँ और ये लास्ट वाला फंदा है और एक्स्ट्रा उनको कर दिया मैंने कट और फिर ये लास्ट वाले फंदे में से बनाकर और ये छोटा सा धागा बचा हुआ उस फंदे में से निकाल दूंगी और फिर ये गांठ लग जाएगी उस फंदे में से। इस धागे को मैंने निकाल दिया है। लीजिए, बहुत ही सुंदर
गोपाल जी की स्वेटर बनकर तैयार हुई है। तो चलिए लीजिए, ड्रेस में मैंने डोरी भी लगा दी है और बहुत ही सुंदर ड्रेस लग रही है। ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये मैंने कैप भी बना ली थी, कैप की वीडियो भी डाल दूंगी। और बहुत ही सुंदर लग रही है गोपाल जी की ड्रेस, एक बार आप भी ज़रूर बनाएं और बताएं आपको कैसी लगी ये ड्रेस, और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी, नए आइडिया, नई कोई गोपाल की ड्रेस के साथ या नई कोई कुर्ती डिज़ाइन के साथ। राधे राधे।